हाय स्टूडेंट, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिर वो चैप्टर वन जो हम लोग का था पीरियड ऑफ ट्रांजिशंस का, जिसमें आज जो खास करके हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंपैक्ट के बारे में कि आखिर ये इंपैक्ट क्या था। तो इंपैक्ट का तो सबसे पहले मीनिंग होता है एन इफेक्ट और इंप्रेशन, जिसको कहा जाता है। इसमें खास करके इंपैक्ट में जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो आपका पॉइंट है राइज ऑफ कैपिटलिज्म का, इमरजेंसी ऑफ टाउन्स एंड सिटीज का और ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म का। ये तीन पॉइंट आपका मेन इस इंपैक्ट के अंदर में दिया गया है, ठीक है। तो जो पॉइंट अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हम लोग का राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो राइज ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये चीज जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू बी द डिक्लाइन ऑफ द फ्यूडल्स इन द यूरोप। कहते कि जिस समय में फ्यूडलिज्म था ना, उस समय में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन कम से कम क्या हो चुका था, उस समय में खत्म हो चुका था। नाउ अ न्यू सिस्टम एरोज इन दिस प्लेस, कहते हैं कि उसके जगह पर में एक नया सा सिस्टम एरोज हुआ था एंड दैट वाज़ द कैपिटलिज्म। वो क्या था आपका? कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म था क्या? तो इट वाज अ सिस्टम इन विच द मींस ऑफ प्रोडक्शन वेयर प्राइवेटली ओन एंड ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट। कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम था जिसमें मींस ऑफ प्रोडक्शन तो तैयारी किया जाता था, वो भी प्राइवेटली ओन के द्वारा, मतलब किसी भी प्राइवेट पर्सन के द्वारा, और उसको ऑपरेट करने का मेन मकसद होता था सिर्फ प्रॉफिट करना। तो ये कैपिटलिज्म उस समय में जो था ना, वो एक तरह से आगे बढ़ा था, ठीक है। नाउ न्यू सोशल क्लासेस, कैपिटलिज्म गिव टू बी द बर्थ टू बी द न्यू सोशल क्लासेस। वन वॉज द फैक्ट्री ओनर्स एंड द सेकेंड वॉज द वर्कर्स। अब यहां से आपका दो तरह का पार्ट में डिवाइड हो जाता है सोशल। अगर हम लोग इसमें खास करके कल्चर के बारे में देखें, सोशल क्लासेस के बारे में देखें, तो ये कैपिटलिज्म आपका दो तरह के चीजों को वहां पे बॉन्ड करता है। एक है आपका फैक्ट्री ओनर्स और दूसरा था आपका वर्कर्स। अब सबसे पहले हम लोग फैक्ट्री ओनर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये फैक्ट्री ओनर्स वाले थे क्या। तो वन ऑफ दैट द फैक्ट्री ओनर्स हु इंप्रूव्ड employed the workers and paid them the wages। कहते हैं कि ये लोग क्या करता था, वर्कर्स को एक तरह से employed करते थे और उसके बदले में वो उनको wages दिया करते थे। wages का मतलब होता है कि जो भी खर्चा होता था, जैसे कि किसी को भी hire किया जाता है तो उसके बदले में उसको हम लोग पैसे देते काम करने के लिए। तो इस तरह से ये सिस्टम उस समय में किया जाता था, उनको wages दिए जाते थे। एंड द मेन ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स वॉज टू मेक द प्रॉफिट। और जो मेन जो था खास करके फैक्ट्री ओनर्स का मकसद, वो क्या था? एक तरह से प्रॉफिट को बनाना था कि किसी तरह से हम प्रॉफिट करें। सो दे कंट्रोल द कैपिटल एंड द मनी एंड हेंस वेर कॉल्ड द कैपिटलिस्ट। कहते हैं कि इन लोगों ने क्या किया खास करके उस समय में, कैपिटल को होल्ड किया एक तरह से, जो कैपिटलिस्ट कहलाया। क्या चीज कहलाया? कैपिटलिस्ट कहलाया। अब हम लोग आते हैं इस कैपिटलिस्ट के बारे में, आखिर कैपिटलिस्ट होता कौन था। तो कैपिटलिस्ट के बारे में कहा गया कि अ पर्सन हु यूजेस दियर वेल्थ टू इन्वेस्ट इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री फॉर प्रॉफिट इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ द कैपिटलिज्म। कहते कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने वेल्थ का इन्वेस्ट करता था, पैसा अपना इन्वेस्ट करता था किसमें? ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। किसके लिए? फॉर प्रॉफिट के लिए, इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का जो भी एक तरह से प्रिंसिपल्स था, रूल्स थी, उसके तहत वो लोग अपने सारे वेल्थ को ना इन्वेस्ट किया करते थे ट्रेड में और इंडस्ट्री में। तो ये उस समय में ना एक तरह से कैपिटलिस्ट कहलाया था। एंड दे वेर वेरी प्रॉस्पेरस एंड लेड अ लाइफ ऑफ द लग्जरी। कहते हैं ये जो कैपिटलिस्ट होते थे ना, इनकी लाइफ जो होती थी ना, वो एक तरह से बड़ा ही प्रॉस्पेरस हुआ करता था और लग्जरियस था। वो लोग आराम से रहते थे, किसी भी चीज की उतनी ये नहीं थी, सारा चीज इन लोगों के पास में जो था ना वो अवेलेबल था उस समय में। नाउ द सेकेंड क्लास वॉज द वर्कर्स एंड हु वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड रिसीव द वेजेस फॉर द अदर लेबर। कहते हैं कि सेकेंड क्लास में आपका वर्कर्स हुआ करता था, ये लोग काम करते थे और काम के बदले में ना ये लोग वेजेस इनको रिसीव होता था, मतलब पैसे वगैरह मिलते थे इनके काम करने के लिए, फॉर द अदर लेबर। एंड दे वेर एन एम्प्लॉयड लॉट एंड द लिव इन द ग्रेट हार्डशिप। इन लोग की जो थी ना वो रहने का सिस्टम बहुत ही हार्डशिप हुआ करता था, ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे और उसके बाद में रहना इन लोग का फैक्ट्री ओनर्स की तरह नहीं हुआ करता था, बल्कि बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही कम, कहते ना लोग हार्डशिप में रहना,
उसी तरह से ये लोग मेहनत करके इसी तरह से वो अपना राहत करते थे। तो ये पॉइंट हम लोग का आगे आपका कैपिटलिज्म का मतलब राइज ऑफ कैपिटलिज्म में। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का वो है इमरजेंसी ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। अब तो ये तो बात हम लोग जानते हैं कि उस समय में जिस तरह से राइज ऑफ कैपिटलिज्म हुआ, अलग अलग तरह की जो थी सो प्रोग्रेस होना चालू हो गया, जिसमें एक आपका इमरजेंसी ऑफ टाउन सिटीज वगैरह भी था। अब इसको क्यों ऐसा किया गया, तो न्यू मशीन्स वेयर द टू बिग टू बी द फिट इन टू बी द पीपल्स होम। कहते कि बड़े बड़े जो मशीन आया करता था ना उस समय में, ये एक किसी भी आदमी के घर में फिट होना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि उसको फिट करने के लिए बहुत सारी जगह लगा करता था उस समय में। सो फैक्ट्रीज वेयर द बिल्ट वेयर द कैपिटलिस्ट ये कैपिटलिस्ट इंस्टॉल द मशीन। कहते कि ये फैक्ट्री वही बनाया जाता था जहां पर कैपिटलिस्ट क्या करते थे, इस मशीन को ना एक तरह से इंस्टॉल करते थे। एंड पीपल वर्किंग एट द होम कुड नॉट कंपीट विथ फैक्ट्री मेक गुड्स। कहते कि जो आदमी घर में पहले काम करता था, अब वो उस तरह से काम नहीं हो पा रहा था इनका। लेकिन Thus, with the industrialization, the center of the economic life shifted from the village to be the city. और उसके बाद में उनको वहां से ना shift हो अलग होकर के shift वहां करना पड़ा जहां पर बड़े बड़े मतलब factory वगैरह बनाया जाने लगा था। वहां पर ये लोग अपना अपना घर वगैरह छोड़ करके वहीं ये लोग cities वगैरह में रहने लगे। तो ये shifted हो गया from to village to city. Now the many industrial towns and cities such as the Manchester's एंड द लिवरपूल इमर्ज। और इसी तरह से बहुत सारे शहरों की उस समय में निर्माण हुई, जिसमें आपका मैनचेस्टर का भी नाम आता है, लिवरपूल का भी नाम आता है, ऐसे ऐसे शहर वगैरह उस समय में ना एक तरह से इन्वॉल्व किया गया। एंड पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेज टू दी सिटीज इन अ सर्च ऑफ द जॉब इन द फैक्ट्रीज। और पीपल जो थे वो लोग अपने घरों से ना निकल के, गाँव से निकल के एक तरह से सिटीज की तरफ जाते थे। किसके लिए, तो वही काम वगैरह देखने के लिए, वहां पर मैं काम वगैरह करने के लिए। इस तरह से ये हो गया। अब जो अगला पॉइंट हम लोग का आता है, ये तो इमरजेंसी ऑफ टाउन एंड सिटीज का हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हम लोग का ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म का। अब ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म में सबसे पहले हम लोग को यह चीज जानना जरूरी है कि विद द ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्रीज द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ऑफ द यूरोप वेयर द फेस टू बी द टू क्रूशियल कंसर्न। कहते कि जैसे जैसे एक तरह से ग्रोथ होने लगा, उस समय में क्या हुआ कि जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह थे ग्रोथ होने से, इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज वगैरह था ना जैसे यूरोप में, इन लोग की दो तरह का प्रॉब्लम जो था वो फेस करना पड़ रहा था। और वो दो तरह का प्रॉब्लम किस तरह का था, तो सबसे पहले नंबर वन में उन लोग को जो फेस करना पड़ रहा था वो था आपका कि नीड फॉर द चीफ रॉ मेटेरियल्स टू बी द मैन्युफैक्चर द गुड्स। मतलब पहला क्या था कि चीफ रॉ मेटेरियल्स की जरूरत किसी भी गुड्स को बनाने के लिए। तो पॉइंट नंबर वन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चीफ रॉ मेटेरियल्स की जरूरी। अब चीफ रॉ मेटेरियल्स का अर्थ क्या होता था, रॉ मेटेरियल्स का अर्थ होता है कच्चा सामान जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे अगर मान लिया कि कोई अगर कपड़ा बनता था ना, तो उसके लिए उस समय में कॉटन की जरूरत होती थी, तो कॉटन को एक तरह से हम लोग रॉ मेटेरियल्स कह सकते हैं। तो उस तरह से ये सारे के सारे चीजों को जरूरत था। जैसे अगर आयरन वगैरह बनता था तो उसके लिए आयरन ओर की जरूरत होती थी। तो सबसे पहले तो चीफ रॉ मटेरियल्स जो कोई भी मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स उसके लिए जरूरी थी। और सेकेंड जो पॉइंट था टू फाइंड द मार्केट फॉर द फिनिश गुड। अब यहां तो रॉ मटेरियल्स मान लिया मिल गया, गुड्स वगैरह भी मैन्युफैक्चर हो गए, हो बन गए, फिनिश गुड हो चुके हैं, लेकिन अब उस फिनिश गुड्स को मार्केट में कहां बेचा जाए, इसके लिए भी मार्केट्स का ना एक तरह से फाइंड करना, ये दो मेन पॉइंट जो था ना वो ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म का उस समय में बना था। नाउ द पॉलिटिकल डोमिनेशंस ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्रीज सॉल्व दिस टू प्रॉब्लम। कहते कि जिस कंट्री में एक तरह से पॉलिटिकल मतलब डोमिनेशन थी उस समय में, वो डोमिनेशन वाले कंट्री जो थे खास करके, वो लोग क्या किए, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉलोनीज इन एशिया, अफ्रीका एंड द अमेरिकास बाय द यूरोपियन कंट्रीज हेल्प टू बी द सस्टेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इस तरह से ना बाकी कंट्रीज वगैरह में जो था ना, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब जो हम लोग पॉइंट करने जाएंगे वो पॉइंट हम लोग का है इंपीरियलिज्म का। वो इंपीरियलिज्म क्या है इसके बारे में फिर हम लोग समझते हैं, सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट हम लोग का इंपीरियलिज्म का। ये क्या था, तो इट इज अ पॉलिसी ऑफ द एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर अदर रीजन्स स्पेशली बाय एक्वायरिंग द कॉलोनीज।
अब इसके बारे में तो ये तो कहा गया इंपीरियलिज्म क्या था उस समय में, क्या है नहीं है, कहते हैं कि ये एक तरह से इट इज अ पॉलिसी ऑफ द एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर अ वीक कंट्री बाय अ पावरफुल वन, मतलब कि किसी भी वीक कंट्री के ऊपर में जो भी पावरफुल जो रूलर हुआ करता था या कंट्री हुआ करता था वो लोग क्या करता था एक तरह से उसको एक्वायर कर लेता था और फिर वहां पर मैं अपनी इंपीरियलिज्म चलाता था। ओके एंड द फेनोमेनन गेन द स्ट्रेंथ इन द 19th सेंचुरी लार्जली ड्यू टू बी द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और ये आपका ना 19th सेंचुरी तक जो था ना ये चलते आया। नाउ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू बी द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड, आप कहते हैं कि इस समय में क्या हुआ, इस इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन था उस समय में ट्रेमेंडस जो था वो इंक्रीजिंग हुआ, किस चीज का, तो गुड्स वगैरह बहुत सारे उस समय में जो था ना वो बनाया गया था, खास करके प्रोडक्ट हुई थी प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स का। एंड द यूरोपियन कंट्रीज नीडेड द मार्केट्स फॉर द मैन्युफैक्चर गुड्स, न्यू सोर्सेस ऑफ द चीप रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर द मोर गुड्स, अब वहां पर में अलग अलग से एक तरह से मैन्युफैक्चर जो था ना वो गुड होने लगा, रॉ मटेरियल्स वगैरह भी जो थे वो सब भी सारा का सारा चीज जो था वो दूसरे दूसरे जगहों से जो था वो एक तरह से एक्वायर किया गया। And the area in which they could be the invest their the surplus capital, और फिर खास करके वो एरिया वगैरह भी मतलब एक तरह से एक्वायर किया गया जहां पर भी ये लोग अपने surplus capital वगैरह जो थे वो सेट करने लगे। So this led to be them to be the acquired the colonies in Asia and Africa, continents rich in the natural resources but the military भी। फिर यहां पर भी ये लोग एशिया में अफ्रीका जैसे कंट्री जो भी कंटिनेंट वगैरह रिच हो गया था वहां पर में ना ये लोग क्या करने लगे, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज वगैरह नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जहां पर में सब मिलता था वो सब सारा का सारा एक्वायर करने लगे। लेकिन यहां पर मिलिट्री बहुत वीक जो थी ना वो एक तरह से कमजोर था, तो ऐसे करके इंपीरियलिज्म में ना वो लोग जगह वगैरह को एक्वायर करने लगे, रॉ मटेरियल्स वगैरह को एक्वायर करने लगे, जो भी था ये सारा का सारा सामान वगैरह भी उस तरह से लोग एक्वायर अपना करने लगे। एंड द रेस टू एक्वायर द कॉलोनीज पिक्ड ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, कहते हैं कि हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ, तो लगभग जो था ना ये रेस वो कॉलोनीज को एक्वायर करने का चलने लगा। एंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जब हम लोग कहते ना एक तरह से बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में ऑलमोस्ट द होल ऑफ द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड हैड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द फ्यू इंडस्ट्रियल कंट्रीज, तो लगभग 20th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ, तो एक तरह से आपका ये पूरा का पूरा फ्यू इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज वगैरह थे ना वो सभी इसके अंदर में चले आए इंपीरियलिज्म में, जिसमें आपका ब्रिटेन का नाम है, फ्रांस का नाम है, बेल्जियम का नाम है और स्पेन का नाम है, ये सब जो थे ना उसमें मेन एक तरह से कॉलोनियल पॉइंट जो हम पावर जो कहते ना वो मेन कॉलोनियल पावर के रूप में इन सारे कंट्रीज का नाम वगैरह जो था वो जाना जाता था। अब हम लोग जो लास्ट पॉइंट हम लोग का इसी में दिया गया इस चैप्टर का वो है हमारा इंपैक्ट। इंपैक्ट तो हम लोग भी पढ़े थे, इससे पहले भी पढ़े थे ये इंपैक्ट, लेकिन अलग थी। अब हम लोग जो इंपैक्ट में आ रहे हैं वो इंपैक्ट हमारे इंपीरियलिज्म का था कि आखिर इसका इंपैक्ट क्या हुआ, किस तरह का इंपैक्ट इसके ऊपर में हुआ। तो कॉलोनिस्ट एक्सप्लॉइटेड द कॉलोनीज इकोनॉमिकली, यानी कि जो कॉलोनीज वगैरह थे ना वो एक तरह से एक्सप्लॉइट होने लगे इकोनॉमिकली। द कॉलोनिस्ट एक्सप्लॉइट द कॉलोनीज इकोनॉमिकली द लोकल इंडस्ट्रीज ऑफ द कॉलोनाइज कंट्रीज वेर द पैटली द डिस्ट्रॉयज, कहते हैं कि जो लोकल एक तरह से उस समय में ये कॉलोनाइज मतलब कंट्रीज वगैरह थे ये सब जो था ना इंडस्ट्रीज वगैरह वो सब पैटली डिस्ट्रॉयड होते चला गया। फॉर एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात लेते हैं द इनफ्लक्स ऑफ द चीप मशीन मेड द गुड्स डिस्ट्रॉयड द इंडिग्नियस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ द इंडिया, अगर हम लोग उस समय में एक बात करते हैं तो खास करके देखिए आपका इंडिग्नियस टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री था वो आपका क्या हुआ एक तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका था। द कॉलोनीज वर द ट्रीटेड एज अ मेड द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स, कहते हैं कि उस समय में जो कॉलोनीज वगैरह थे ना ये एक तरह से ट्रीटेड किए जाते थे मेयर सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल्स का, ये लोग सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल्स के नाम से भी उस समय में इंप्लाइज किए जाते थे। ओके तो एक तरह से ये सारी की सारी बातें होने लगी। नाउ इसके बाद में हम लोग आते हैं नो एफर्ट वॉज मेड टू बी द इंडस्ट्रियलाइज द कॉलोनीज, कहते हैं कि कॉलोनीज के थ्रू ना उस समय में कोई भी ऐसा इफेक्ट वगैरह जो था ना वो भी उस तरह से देखने को नहीं मिला था। इन बर्मा जिसको हम लोग म्यांमार कहते हैं द ब्रिटिश एक्सप्लॉइट हर नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्रांटेड देमसेल्फ द
एक्सक्लूसिव राइट टू द सेल द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट दैट द बर्मा नीडेड। अब बर्मा की अगर हम लोग बात करते हैं तो बर्मा में क्या हुआ था उस समय में कि जो ब्रिटिश थे ना, ये लोगों ने क्या किया एक तरह से, तो वो एक्सप्लॉइट कर दिया अपने नेचुरल रिसोर्सेस को और वो लोग ग्रांटेड करने लगे देम से, मतलब अपने आप से, किसके लिए, टू एक्सक्लूसिव राइट टू सेल द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स टू द बर्मा नीडेड। अब बर्मा को जो भी जरूरत होती थी वो सारा का सारा सामान जो था ना वो ये लोग एक तरह से देने लगे, सेल करने लगे। एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें इसके बाद में, तो एग्रीकल्चर टू वॉज अ मॉडिफाइड विद द सूट टू बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंपीरियलिस्ट। अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इंपीरियलिस्ट कंट्री थी उस समय में एग्रीकल्चर को भी मॉडिफाइड किया गया था। इन सम कॉलोनीज ओनली वन और टू क्रॉप्स वेयर द ग्रॉन, कहते कि कुछ कॉलोनी में तो सिर्फ वन या फिर टू इस तरह से जो क्रॉप्स वगैरह थे ना वो क्रॉप्स को क्या करने लगा वो लोग, तो ग्रॉन करने लगा, मतलब उपजाने लगा, एक से दो फसल जो था वो लोग सिर्फ ऐसे करके उपजाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, क्यूबा का नाम आता है इसमें आपका, किसका नाम आता है, क्यूबा का, CUBA, क्यूबा। तो क्यूबा का अगर नाम आता है तो इट वॉज द रिड्यूस टू ओनली अ सुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री, कहते कि ना ये एक तरह से ना रिड्यूस किया गया था सुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री के लिए। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की अगर उसमें में बात करें, तो इंडिया में क्या था, टू ओनली द कैश क्रॉप्स विच फैचेस अ हाई प्राइस इन द मार्केट वेयर द इनकरेज, जहां पर में आपका कैश क्रॉप्स जो होता था ना वही सिर्फ उस समय में ये सब सारे के सारे चीज उपजाए जाते थे। तो ऐसे के ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल वगैरह भी दिया गया था। सो इंडिया सफर्ड द इविल्स ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म फॉर द मेनी सेंचुरीज। हम लोग जानते हैं कि खासकर के अपनी कंट्री जो थी ना वो अगर ब्रिटिश को लेकर के चलते हैं ना तो बहुत दिनों तक, बहुत सेंचुरी तक, कम से कम 200 साल तक हम लोगों ने उसका जो भी था ना वो इफेक्ट वगैरह हम लोगों ने देखा था कि आखिर किस तरह से हमारे कंट्रीज के अंदर में वो कैसे काम किए थे, इसके लिए हमें सफर करना पड़ा था। सो वी विल रीड अबाउट द स्ट्रगल ऑफ द इंडियन अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म लेटर इन दिस बुक, कहते कि इसके बारे में हम लोग फिर से इसी बुक में जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो उसमें इंपीरियलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने उस समय में कैसे किया, खास करके इंडियंस जो थे वो इस इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। तो ये सारा का सारा पॉइंट आज आप लोग का इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड था वो आपका डिस्कस कर दिया गया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, अगर होगा आप लोग कर पाओगे तो बेटर है, नहीं तो फिर हम लोग करेंगे। ओके।